क्या हो जब एक पेंटिंग को इंसान के असली खून से बनाया जाए। जी हाँ, इस दुनिया में एक ऐसी पेंटिंग भी है जिसे इंसान के रियल खून से बनाया गया है। इंग्लैंड में 2019 में सीन रॉबिन्सन की दादी की मौत के बाद सीन को उन्हीं के सामान से एक पेंटिंग मिली जिसमें एक इंसानी आकृति चिल्लाती हुई दिखाई दे रही है। इस पेंटिंग पर लिखा हुआ था द एंग्विश्ड मैन, मतलब दुखी आदमी। सीन की दादी ने इस पेंटिंग को पिछले 25 सालों से अपने स्टोर रूम में छुपा कर रखा था और सीन की दादी ने इस पेंटिंग के साथ एक चिट्ठी भी छोड़ी थी जिसमें लिखा था कि इस पेंटिंग को स्टोर रूम से बाहर ना निकाला जाए क्योंकि ये पेंटिंग एक श्रापित पेंटिंग थी। इस पेंटिंग को आर्टिस्ट ने ऑयल में रियल इंसानी खून को मिलाकर बनाया था और पेंटिंग बनाने के बाद उस आर्टिस्ट की भी मौत हो गई। मगर सीन को दादी की इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था क्योंकि सीन इसे अंधविश्वास मानता था। सीन उस पेंटिंग को बाहर लेकर आया और अपने घर के ड्राइंग हॉल में लगा दिया, जिसके बाद पेंटिंग के घर में लगने के बाद से ही सीन, उसकी वाइफ और उनके बच्चों को घर का माहौल बहुत ही डरावना और मनहूस लगने लगा। कुछ दिनों बाद उन्हें एक साया अपने घर में चलता हुआ भी नजर आने लगा। डर की इंतहा तो तब हो गई जब रात में सीन को उस पेंटिंग में से किसी इंसान के रोने की और दर्द से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। इस खौफनाक हादसे के बाद सीन ने उस पेंटिंग को दोबारा से सील करके उसी स्टोर रूम में रखवा दिया जहाँ उसकी दादी ने उस पेंटिंग को 25 सालों तक छुपा कर रखा हुआ था। अगर सीन तब भी ये ना करता तो पता नहीं उसके साथ और क्या क्या हो सकता था।